हे आहेत जम्मू काश्मीरचे हाजी करम, वय 102 वर्ष, पण हाताची ग्रेप, क्रिकेटचे शॉट्स पाहून मोठे क्रिकेटर्स देखील लासतील. जन्म झाला 1922 ला, पण आजही जेव्हा नातू आणि मुलासोबत पीचवर येतात, बॅट उचलतात आणि फटके मारतात, तेव्हा त्यांची चपळता पाहण्यासारखी असते. क्रिकेट में बड़ा मजा आता है खेलने को. मैं अपने बच्चे को बेटे को भी खिलाता हूँ, लेकिन बड़ा मजा आता है इनको. मैं डांटता हूँ उस प्लेट में आकर, आता हूँ आस्ते 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 आकर इनको देखता हूँ मैं कैसे खेलते हैं. जब गलत भी खेलते हैं ना, फिर मेरे से पटती है इनको, ऐसी बात नहीं है. क्या कहते हैं? मैं मेरे साथ के जो लोग हैं ना, वो एक भी नहीं रहा इस वक्त, वो सब चले गए हैं बेचारे. एक कोई भी नहीं है मेरी उम्र का इस वक्त, इस हमारे इस देर के भी मेरे हालांकि अभी कम से कम ही होगा कोई आदमी. तो बाकी ये कि क्रिकेट हर एक आदमी देखते हैं, जिनको शौक है वो ही देखते हैं, जिनको शौक नहीं है उन्होंने थोड़ा देखना है, वो अपने कारोबार में लगे रहते हैं. लेकिन मेरे नाल के कई आदमी ऐसे हैं जो जिनको शौक है वो देखते हैं क्रिकेट को, बहुत अच्छा. क्रिकेट खेळणारे हे आजोबा एकेकाळी पैलवान की करायचे, जिल्ह्यात त्यांच्या कुस्तीची चर्चा व्हायची, पण आता ते मुलाला आणि नातवाला मार्गदर्शन करतात. मेरे फादर साहब भी बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के. तो मेरा बेटा भी यहाँ क्रिकेट खेलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि फादर साहब हमें सिखाते हैं. मैंने बहुत कुछ सीखा फादर साहब से, तो हर बैटिंग पे हर बॉलिंग पे भी हमें वो कोचते रहते हैं कि ऐसा बॉल करो ऐसा करो. कभी हम बैटिंग पे भी अगर कभी जीरो पे आउट हो जाते हैं तो घर में हमें काफ़ी डांट पड़ती है, कभी कभी थप्पड़ भी पड़ जाते हैं कि आपने ऐसी शॉट क्यों खेली, वैसा खेलना चाहिए था. तो बड़ा अच्छा लगता है कि 102 साल की उम्र है मेरे फादर साहब की इस वक्त, तो काफ़ी अच्छा लगता है. वो ग्राउंड में हमारे साथ आते हैं कभी कभी, तो हमें टिप्स देते हैं, बच्चों को टिप्स देते हैं कि ऐसा खेलना चाहिए ऐसा खेलना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है. मेरे दादू की एज 102 के करीब है और 103 एज लगी है अभी दादू को. और दादू का सपना था कि मैं अभी इंडियन टीम के लिए खेलूं, और पापा चाहते थे कि मैं आईपीएल और इंडियन टीम के लिए खेलूं. उसी की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सालों से मैं मेहनत कर रहा हूं. कधी काही चुकला तर हक्काने ओरडणारे हे 102 वर्षांचे आजोबा आता मुलगा, नातू आणि तरुण क्रिकेटपटूंना शिकवतात आणि त्यांना क्रिकेटमधल्या मास्टर टिप्स देतात. ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत.com.